कुछ लाइनें लिखी एक दो। यहां साजंदे आए हैं, यहां साजंदे आए हैं दिल हथेली पे लेकर, प्यार सुर और ताल साथ लेकर। अगर ये सच है, अगर ये सच है कि इन साजिंदों का सानी कहीं नहीं, अगर ये सच है कि इन साजिंदों का सानी कहीं नहीं, तो ये भी सच है कि आपकी तालियों में जो ताल है वो कहीं नहीं। तो तालियों में कब कुछ ना करें। अभी मैं एक मौका लेना चाहूंगा और हम लोग मौका लेना चाहेंगे जो जयंत, डॉक्टर जयंत जो गेस्ट ड्रामाटिस्ट हैं और बेहतरीन डॉक्टर हैं और बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन टीम पार्टनर हैं और बेहतरीन म्यूजिक के शौकीन और उसको पढ़ाने वाले हैं। मैं इनको न्यौता देता हूं, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड अपना नगमा पेश करें। तालियां जयंत के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेंद्र। राजेंद्र जी, अभी मैं मौका लेना चाहूंगा एक बार म्यूजिशियंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, करीब हम मिल रही हैं। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए गाना गाने वाले तो अच्छे चाहिए ही ऑफकोर्स, बट साउंड और म्यूजिशियंस, इनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आज साउंड है प्रमोद गोयल जी का, वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके लिए तालियां। और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा साउंड है आज, और अभी तक म्यूजिशियंस ने बहुत अच्छा बजाया है, इनके लिए भी एक बार बहुत ज़ोर से तालियां। मैं म्यूजिशियंस को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में साजिद जी हैं कीबोर्ड पे, उसके बाद कपिल जी, कपिल बालूदिया, इनकी पूरी फैमिली म्यूजिक में है। फिर है अंशु, हम सब लोगों के चहेते, दिल के बहुत साफ इंसान, गिटार पे। इसके बाद अपने नाम की ही तरह पावन हैं पावन जी, पावन डांगी जी। इनके दो भाई और हैं, एक तबला बजाते हैं, एक बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं, सावन और मनभाव। इसके बाद अजहर ऑक्टोपैड पे, ये जो इनके लंबे बाल हैं ये इनकी साधना के वो सूचक हैं, जितने लंबे बाल उतना ज़्यादा मेहनत की आदमी ने, ठीक है। अब इन सब के सरगना, माफिया गैंग के सरगना, ये जो प्रोग्राम हुआ है ये डगाज एंटरटेनमेंट का अरेंजमेंट है पूरा, और ये हैं सुरेंद्र जी डग्गा। इनकी खूबियां बताता हूँ, हरफन मौला हैं ये। तबला आपने बजाते हुए देखा है इनको, कॉन्गो बजाते हुए भी देखा, ये जैज ड्रम भी बजाते हैं, ढोलक भी बजाते हैं, हारमोनियम भी प्ले करते हैं, खुद गाते भी हैं। और हम लोगों में से बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने इनसे सीख के ही गा पा रहे हैं, तो सुरेंद्र जी के लिए एक ढोल लगा दिया है। डॉक्टर जयंत ने बहुत कुछ कहा मेरे लिए, और शायद आपको मालूम है पेशे से डॉक्टर हैं सभी जानते हैं, लेकिन संगीत की दुनिया, शेर व शायरी और ये कला की दुनिया से परे नहीं है। हमेशा संगीत से, कला से जुड़े रहे हैं और जुड़े रहेंगे, और जब से ये कला क्षेत्र से जुड़े, संगीत से जुड़े, तब से इन्होंने अपना नाम रखा आज़ाद जयपुर, डॉक्टर जयंत। चंद लाइनें मैं इनके लिए कहना चाहूँगा। जब से हर दुश्मनी को मोहब्बत में बदल लिया, जब से हर दुश्मनी को मोहब्बत में बदल लिया, हर रिश्ते को दोस्ती का दर्जा दे दिया, हर रिश्ते को दोस्ती का दर्जा दे दिया, खुद को जमीन पे और उनको दीवान पे बिठा दिया, तब से मैं आजाद हो गया, तब से मैं आजाद हो गया। जब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भूल गए, जब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भूल गया, हर इंसान में सिर्फ इंसान ही दिखा, लोगों में ख्वाब बांटे जख्म दिखाए, कितनी खूबसूरत लाइन है, लोगों में ख्वाब बांटे जख्म दिखाए और गीत भी गाने लगा, तब से मैं आजाद हो गया।
तब से मैं आजाद हो गया। फूलों, झरनों, सागर, पहाड़ों, बादल, बारिश, जंगल और चांदनी को हर चांदनी को जब निहारने लगा, फूलों, झरनों, सागर, पहाड़ों, बादल, बारिश, जंगल और चांदनी को जब से निहारने लगा, ईश्वर, अल्लाह, मंदिर, मस्जिद, ईश्वर, अल्लाह, मंदिर, मस्जिद के झगड़ों से हाथ झटक कर, जब से मैं कुदरत को पूजने लगा, ईश्वर, अल्लाह, मंदिर, मस्जिद के झगड़ों से हाथ झटक कर, जब से मैं कुदरत को पूजने लगा, तब से, हाँ, तब से मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। ये चंद लाइनें, ये मैंने कहीं से बटोरी नहीं है, ये चंद लाइनें डॉक्टर जैन शर्मा ने खुद बखूब अपने लिए लिखी है। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर जैन शर्मा के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
प्यार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो, पास बैठो जरा आज तो इकरार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। Thank you.